असिस्टेंट हेलो, ये इनलेट है, यहाँ से टैप का कनेक्शन होगा, ये आउटलेट है, यहाँ से इसमें आएगा, यहाँ से इसमें आएगा इनलेट, यहाँ से इसमें आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। फिर पानी चलेगा, जब पानी बॉयलर के अंदर आ जाएगा, हीटर डीप हो जाएगा, पहले ये वाला पीछे वाला पार्ट हीटर में डीप हो, हीटर डीप हो जाएगा पानी में, फिर हीटर ऑन करना है, यहाँ से ये हीटर वन है, ठीक है, ये हीटर वन का थर्मोस्टेट है, ये 110 डिग्री पे रहेगा, उसके बाद डिस्टिल वाटर निकलना शुरू होएगा थोड़ी देर में, हीटर शुरू हो जाएगा गर्म होना, डिस्टिल वाटर यहाँ से आएगा, यहाँ से इसमें आएगा, यहाँ से इसमें भी डाल सकते हैं, यहाँ से इसमें भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद डिस्टिल वाटर से ये वाला बॉयलर भर जाएगा, उसके बाद जब ये बॉयलर भरेगा, हीटर पानी में डिप हो जाएगा, उसके बाद ये सेकेंड हीटर ऑन करना है, और ये थर्मोस्टेट 110 डिग्री पर रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर तो पीछे से पानी की सप्लाई बंद होती है, तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये ऑटोमेटिक कट ऑफ हो जाएंगे, दोनों साइड दोनों कट ऑफ हो जाएंगे, जिसमें पानी नहीं होगा वो कट ऑफ हो जाएगा। ओवरफ्लो है, ये दोनों पाइप ओवरफ्लो के हैं, ये ड्रेन में रहेंगे ओवरफ्लो, जो बॉयलर में एक्स्ट्रा वाटर होगा वो यहाँ से बाहर आएगा, और ये स्टॉप कॉक है, इनको बंद रखना है हमेशा, इनको तभी खोलना है जब बॉयलर को खाली करना हो या बॉयलर की सफाई करनी हो, इनको तभी ऐसे थोड़ा सा खोलना है, खोलेंगे तो पानी खाली हो जाएगा, उसके बाद बंद करना है पूरा अच्छे से, फिर इसमें पानी भरना है। ये इनलेट है, टैप से कनेक्ट होएगा, ये आउटलेट है, ये वाला इसमें आएगा, ये यहाँ से कनेक्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ, ये वाला इसमें आएगा, इसमें से फिर पानी चलेगा, पानी इसमें भरेगा,
ये फर्स्ट वाटर डिस्टिल आउटपुट यहाँ से है, यहाँ से इसमें आएगा, ये यहाँ से इसमें आएगा, ये यहाँ से इसमें आएगा, ये सेकंड डिस्टिल आउटपुट है।